आईपीएल 2022 की रिटेंशन लिस्ट आने के बाद कई टीमों का समीकरण तो हो गया है साफ, लेकिन अपने टेस्ट डेब्यू में शतक जड़ने वाले श्रेयस अय्यर अब बनेंगे किस टीम के कप्तान? What's going on everyone? Welcome back to my YouTube channel. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान श्रेयस अय्यर की कि आखिर श्रेयस अय्यर अब किस आईपीएल टीम में जाने वाले हैं, कौन सी आईपीएल टीम उनको अपनी टीम में लेने के लिए दिलो जान बिछा के इंतजार कर रही है और क्या श्रेयस अय्यर आईपीएल 2022 में हमें कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम को समझ लेते हैं। आईपीएल 2022 से पहले होना क्या क्या है। सबसे पहले आपकी लखनऊ और अहमदाबाद की जो दो नई टीमें हैं वो अपने तीन तीन खिलाड़ी की लिस्ट जारी करेंगे जिनसे वो नेगोशिएशंस करके डीलिंग करके उनको अपनी टीम में ले लेंगी, यानी कि बाकी टीमें भी रिटेन कर चुकी हैं, इन टीमों में भी दो दो तीन तीन नए खिलाड़ी आ जाएंगे। उसके बाद होगा मेगा ऑक्शन और मेगा ऑक्शन में तो कोई किसी भी टीम में जा सकता है। तो सवाल यह है कि क्या श्रेयस अय्यर अहमदाबाद या लखनऊ की किसी टीम में चले जाएंगे या फिर वो मेगा ऑक्शन तक का इंतजार करेंगे। सी अगर श्रेयस अय्यर को कप्तान बनना है तो सबसे पहले कप्तानी का समीकरण समझ लेते हैं कि आईपीएल की 10 टीमों में कप्तानी का समीकरण क्या है। देखिए सबसे पहले 5 टीमों के पास तो कप्तान अपने अपने मौजूद हैं। एस पर नाउ आपके पास रोहित शर्मा है मुंबई इंडियंस में, महेंद्र सिंह धोनी है चेन्नई सुपर किंग्स में, सनराइजर्स हैदराबाद में है केन विलियमसन, दिल्ली कैपिटल्स में है ऋषभ पंत और राजस्थान रॉयल्स में है संजू सैमसन। वहीं 5 टीमें ऐसी हैं जिनके पास अभी कप्तान नहीं है। सी लखनऊ के बारे में सब जानते हैं कि केएल राहुल उस टीम में आ रहे हैं, आ चुके हैं, वही कप्तानी करेंगे, लेकिन ऑफिशियली जब तक नहीं हो जाता उसको यही माना जाएगा कि लखनऊ की टीम के पास भी अभी कप्तान नहीं है। तो कप्तान नहीं है लखनऊ के पास, कप्तान नहीं है अहमदाबाद के पास, कप्तान नहीं है आरसीबी के पास, कप्तान नहीं है केकेआर के पास और कप्तान नहीं है पंजाब के पास। तो ये 5 टीमें हैं जिनके पास कप्तान नहीं है, लेकिन इसका समीकरण अगर अब आप उठा के देखेंगे तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि श्रेयस अय्यर कम से कम 4 टीमों में इनमें से नहीं जा सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है पैसा। अगर श्रेयस अय्यर देखेंगे कि भाई ऋषभ पंत भी 16 करोड़ पा रहा है, विराट भैया भी 15 करोड़ पा रहे हैं, रोहित शर्मा भी 16 करोड़ पा रहे हैं, धोनी भी 12 करोड़ पा रहे हैं, यहां तक कि मयंक अग्रवाल भी 12 करोड़ पा रहे हैं जिनके पंजाब के कप्तान बनने की बात हो रही है, तो मुझमें क्या बुराई है, मैं क्यों 15 करोड़, 12 करोड़, 16 करोड़ नहीं पा सकता? क्योंकि एक बात तो तय है कि जितनी भी टीमें हैं वो अपना मेन चंग तो खर्चा कर ही चुकी हैं। अब आप अगर देखो केकेआर को तो वो 12 करोड़ दे चुके हैं आंद्रे रसल को, आप अगर देखो तो सीएसके 16 करोड़ दे चुकी है रविंद्र जाडेजा को, आप अगर देखो तो आरसीबी विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल को 15 और 11 करोड़ दे चुकी है, और यहां तक कि पंजाब में मयंक अग्रवाल को 12 करोड़ दे चुकी है, केन विलियमसन को 14 करोड़ दे चुकी है, यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद और जितने भी आपकी टीम है वो सब इसी तरीके से दे चुकी हैं, और आपके संजू सैमसन को भी पैसा मिल चुका है 12-14 करोड़ और जॉर्ज बटलर को भी 10 करोड़ मिल चुका है। तो अब सिर्फ एक टीम ऐसी बचती है जो श्रेयस अय्यर को इतना पैसा देना अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि बाकी टीमें तो पहले ही अपना जो है बजट आधा खाली कर चुकी हैं और आपकी लखनऊ की टीम भी केएल राहुल और राशिद खान के पीछे भाग रही है। तो अब एक ही टीम बचती है, वो है अहमदाबाद। और इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लग रही है कि लखनऊ ने इतनी हेडलाइंस डोमिनेट कर ली है कि लोग अहमदाबाद को तो भूल ही गए हैं कि वो भी कोई एक टीम आ रही है। पहले खबर आई थी कि कोच रवि शास्त्री उनके हेड कोच बनने वाले हैं टीम इंडिया के पूर्व कोच, जिनका वर्ल्ड T20 के बाद कारवा खत्म हो गया भारतीय टीम के साथ, और भरत अरुण भी वहां पर जा सकते हैं एज अ बॉलिंग कोच। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अगर वहां पर जाते हैं रवि शास्त्री तो मेरा मानना है कि रवि शास्त्री और श्रेयस अय्यर की जोड़ी भी वहां पर खूब जमेगी। तो अगर श्रेयस अय्यर मेगा ऑक्शन में जाते हैं और अहमदाबाद के कप्तान बनने से वो इनकार कर देते हैं तो फिर उनको ज्यादा पैसे तो नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि आप ऑलराउंडर के पीछे अब टीमें भागेंगी फास्ट बॉलर के पीछे, आपके पास बेन स्टोक्स का ऑप्शन वहां पर आएगा, शाकिब अल हसन का ऑप्शन वहां पर आएगा, आपके पास ईशान किशन जैसे प्लेयर का ऑप्शन आएगा, आपके पास कगिसो रबाडा जैसे प्लेयर का ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शंस बहुत आएंगे और टीमें अपनी जो गैप है उसको फिलअप करने के लिए ही भागेंगी। अगर आप ज्यादातर टीमों को देखिए तो उनका जो बैटिंग ऑर्डर है, जो उनके मेन बैट्समैन उनको चाहिए, वो ज्यादातर टीमों का सॉर्टेड है। सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी केन विलियमसन है जो उनके नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे, आरसीबी के पास विराट कोहली है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव मुंबई में है, संजू सैमसन, जॉर्ज बटलर हैं, वहां पर आपके मयंक अग्रवाल हैं और दिल्ली में आपके ऋषभ पंत हैं, पृथ्वी शॉ हैं। तो बैट्समैन ज्यादातर टीमों के पास हैं, तो श्रेयस अय्यर को वहां पर भी इतने पैसे मेगा ऑक्शन में मिलना मुश्किल है, क्योंकि फिर टीमें किसके पीछे भागेंगी, बिग हिटर्स, ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलर्स, इनके पीछे टीमें भागेंगी। तो श्रेयस अय्यर यहां पर अगर आप राइटिंग ऑन द वॉल है, अगर आप थोड़ी सी भी क्रिकेट की सेंस रखते हैं, और श्रेयस अय्यर यकीनन रखते हैं, हमारे व्यूअर्स भी रखते हैं, इसलिए व्यूअर्स अब क्या करेंगे, व्यूअर्स लाइक का बटन दबाएंगे नीचे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे
कि श्रेयस अय्यर के बारे में वो क्या सोचते हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट के श्रीनिवास राव वो भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि श्रेयस अय्यर अहमदाबाद की टीम में जाएंगे, वहां पर कप्तान बनेंगे, यह पूरी तरीके से कंफर्म है। वैसे डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी, ओएन मॉर्गन जैसे खिलाड़ी, इन प्लेयरों का भी ऑप्शन है अहमदाबाद की टीम के पास और बाकी टीमों के पास भी, लेकिन डेविड वार्नर की एज भी 35 के करीब हो रही है, ओएन मॉर्गन की बल्लेबाजी का कोई सही ठिकाना नहीं है, वो तो कंप्यूटर से कप्तानी करते हैं, और इंडियन कप्तान जब आपका होता है तो आपके स्टेक्स हाई हो जाते हैं। इसीलिए वजह से राजस्थान रॉयल्स भी उम्मीद लगाकर संजू सैमसन को कप्तान बना रही है। उनको क्या नहीं पता है कि संजू सैमसन बहुत कंसिस्टेंट बल्लेबाज नहीं है, उनको पता है। उनको क्या नहीं पता है कि संजू सैमसन बहुत अच्छी कप्तानी नहीं की उन्होंने पिछले सीजन में, उनको पता है, लेकिन वो इस वजह से संजू सैमसन को कप्तान बना रहे हैं, इस उम्मीद में कप्तान बना रहे हैं जो टैलेंट संजू सैमसन के पास है। और राहुल द्रविड़ जो टीम इंडिया के कोच बन चुके हैं, वहां पर अगर संजू सैमसन टीम इंडिया में एक बार फिट हो जाते हैं, एक बार कंसिस्टेंटली खेलने लगते हैं, तो जो राजस्थान रॉयल्स के स्टेक है, जो उनका स्टार्डम है, वो छलांग मार के चला जाएगा ऊपर। इस वजह से संजू सैमसन को उन्होंने वहां पर कप्तान बनाया है। तो ये सारी चीजें भी फ्रेंचाइजीज को देखनी होती है। और श्रेयस अय्यर से हॉट कॉमोडिटी इस वक्त इंडियन क्रिकेट में कोई नहीं है, मे बी केएल राहुल है, लेकिन वो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश प्लेयर बन चुके हैं, टीम इंडिया के वाइस कप्तान बन चुके हैं। और श्रेयस अय्यर को फ्यूचर में देखा जा रहा है, अजिंक्य रहाणे से उनको रिप्लेसमेंट की बात चल रही है इन द फ्यूचर। तो श्रेयस अय्यर एक बहुत ही हॉट कॉमोडिटी है, उनके बारे में काफी ज्यादा बात भी हो रही है। इस वजह से अहमदाबाद भी वो फ्रेंचाइजी है जो अभी 12 से 16 करोड़ श्रेयस अय्यर को देना अफोर्ड कर सकती है, और इसी स्लैब में श्रेयस अय्यर जाएंगे अहमदाबाद और वहां की टीम की कप्तानी यकीनन करेंगे। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको भी लगता है कि श्रेयस अय्यर अहमदाबाद की टीम में जाके वहां के कप्तान बनेंगे? तो फटाफट से अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अगर आप श्रेयस अय्यर के फैन हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक का बटन दबाइए, कमेंट करिए, अपनी पूरी एनालिसिस बताइए, हमसे बात करिए, और लगातार इसी तरीके की एनालिटिकल वीडियोस के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स एनकाउंटर के साथ।